Hello everybody, this is Dr. Vani and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, jo bhi sirf 7 months pehle hi shuru hua hai, aapki bio-related sari queries ke liye. We would like ki aap log hamare channel ko like, share, subscribe zarur kijiye bachcho. That gives us the attention, the love and you know the feedback ki hum aapke liye aur amazing concepts roll karke lekar aaye. So make sure my dear children that all of you send us a thumbs up with like, share, subscribe. Please do that. We really really would love your you know feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. You're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहां पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VDNEET, ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो VDNEET कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VDTEST, राइट, VDNT.in/VDTEST पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET crash course पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? लेट्स स्टार्ट विद इकोलॉजी टुडे. इकोसिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी. द वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड ओइकोस. ओइकोस एग्जाम में आया हुआ है. ओइकोस बेसिकली मींस होम. ओइकोस इज होम, लोगोस इज स्टडी. सो ओइकोलॉजी और इकोलॉजी एज वी कॉल इट इन इंग्लिश इज स्टडी. सो इट इज स्टडी ऑफ आवर होम बिकॉज वी बेसिकली स्टडी इकोसिस्टम एंड द इकोसिस्टम इज द वन व्हिच इज नरिशिंग यू एंड मी टुगेदर. राइट, देयर वाज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज अर्नेस्ट हैकल. राइट, अर्नेस्ट हैकल. सो अर्नेस्ट हैकल का नाम बहुत लिया जाता है और बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके नाम मैं आज बार बार लूंगी. अर्नेस्ट हैकल इज द वन हु हेल्प्ड कॉइंड द वर्ड इकोलॉजी. सो ही कॉइंड द वर्ड इकोलॉजी. इज दैट क्लियर? राइट इट डाउन प्लीज. दिस हैपन्स टू बी योर फर्स्ट पार्ट. 500% MCQs विल कम. आज मैं आपको काफी नई चीजें एक्सप्लेन करूंगी बट जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रही हूं उनमें से 100% MCQ आने का चांस है. राइट, अगर आप तीन वर्ड और सुनोगे, हेक्सिकोलॉजी, इथोलॉजी, अगर एग्जाम में आ गया, और ग्लोबल इकोलॉजी, तो किसकी डेफिनेशन लिखकर आनी है आपने? किसकी वर्ड कर रहे हैं? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरमेंट. इकोलॉजी नहीं मिल रहा आपको, हेक्सिकोलॉजी. राइट, इथोलॉजी. राइट, इथोबॉटनी भी कहते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स वी कॉल इट इथोबॉटनी. और राइट नाउ वी यूज अवर्ड ग्लोबल इकोलॉजी बिकॉज वी कम टू रियलाइज दैट ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स आर नॉट गोइंग टू ओनली अफेक्ट ऑस्ट्रेलिया, दे आर गोइंग टू राइज अप एंड गोइंग टू अफेक्ट द इंटायर वर्ल्ड. ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में हुई है, दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया में अनप्रेसिडेंटेड गर्मी आई है. दैट इज द रीजन वाई ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर स्प्रेड की गई है. राइट, आज कुछ बच्चे हैं ना जो पहले 10 मिनट के बाद आएंगे, आज उनके साथ धोखा हो जाएगा. यस एवरीबडी, क्योंकि वो टाइम पे क्लास शुरू हो गई आज. यस एवरीबडी, तो ये जो तीनों चीजें लिखी है, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग टू द साइड, लिखिए ये तीनों चीजें. यस एवरीबडी, दो वर्ड्स में और करने वाली हूं. Yes, दो वर्ड्स में और करने वाली हूं. अब इन दोनों वर्ड्स पे फोकस कीजिए. इन वर्ड्स पे एटलीस्ट 5 times MCQ आ चुका है. सो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इथोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है,
इथोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है तो मुझे लग रहा है हेक्सिकोलॉजी और ग्लोबल इकोलॉजी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब दो वर्ड्स हैं जिन पे एटलीस्ट 5 times प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आ चुके हैं, इस माइंड मैप में वो करेंगे, फिर हम अगला ये डिलीट करके नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। राइट, तो पहला वर्ड है ऑट इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी जो वर्ड है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ऑटोमेटिक व्हीकल बोलते हैं ना, दैट मीन सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। सो अ इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल वी आर टॉकिंग अबाउट, एन इंडिविजुअल और अ सिंगल पॉपुलेशन। डीम, डीम के बारे में भी मैं बताऊंगी, डीम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इको टाइप पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ इको टाइप पे इतने क्वेश्चन आए हुए, तो बच्चों प्लीज क्लास में टाइम से आना है, अभी नंबर बढ़ रहा है। सो ऑट इकोलॉजी इज व्हेन अ सिंगल स्पीशीज और अ सिंगल पॉपुलेशन और इवन वन इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल, इसका इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट, हाउ डज दिस वन पर्सन इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ऑट इकोलॉजी। सो मैं आइसोलेटेड केस स्टडीज कर रही हूँ, ऑट लाइक सिंगल स्पीशीज, आपसे पूछेंगे सिंगल स्पीशीज यू नो इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट, हेक्सिकोलॉजी, इथोलॉजी, ऑटिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, चार ऑप्शन दे देंगे आपको एग्जाम में। अंडरस्टैंडिंग, जब मैं एक कम्युनिटी, सिन का मतलब है सिम्बायोटिक, सिन टुगेदर, टुगेदर वर्ड से सिन ले चुके हैं, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सिन इकोलॉजी, एंड आई गिव यू टाइम टू कॉपी डाउन, अंडरस्टैंड फर्स्ट एवरीथिंग, ओपन योर एनसीईआरटीज एंड ये छोटा छोटा करके साइड में लिख लीजिए, मेक योर नोट्स नाउ। व्हेन आई टॉक अबाउट सिन इकोलॉजी, राइट एवरीबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिटी। तो अगर आपके एमसीक्यू में वर्ड कम्युनिटी आया है, अगर आपके एमसीक्यू में वर्ड कम्युनिटी आया है, यू हैव टू अंडरलाइन सिन एंड कम। सो कम्युनिटी विद द एनवायरमेंट, व्हेन द कम्युनिटी इंटरैक्ट्स विद द एनवायरमेंट, आई एम गोना कॉल इट सिन इकोलॉजी। व्हेन अ इंडिविजुअल, अ सिंगल स्पीशीज और पॉपुलेशन एंड यू नो इंटरैक्ट्स विद द एनवायरमेंट, आई कॉल इट ऑटिकोलॉजी। आई गिव यू टाइम to click a snapshot. I will also click a snapshot and upload it on the Telegram group. Right, everybody? Come on. I'm also clicking a snapshot and I will upload it on the Telegram group. Kar liya maine bhi. Aap bhi kar lijiye. Done, everybody? Chaliye. Any doubts? Theek hai? मैंने कर दिया अपलोड टेलीग्राम ग्रुप पे, डोंट वरी, साथ के साथ मैं भी। सो ऑटिकोलॉजी पे एमसीक्यू आया हुआ है, ऑट इज इंडिविजुअल, इस वर्ड से याद रखना, सिन इज पॉन्ड इकोसिस्टम में सारी कम्युनिटीज कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है एल्गी, राइट, व्हाट इज सिनिकोलॉजी, एल्गल ब्लूम हो गया, देयर इज एल्गल ब्लूम, नाइट्रोजन केम डाउन फ्रॉम द फील्ड्स इनटू द वाटर, एल्गल ब्लूम हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दिस एल्गल ब्लूम, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज ऑफ दिस algal bloom which has happened, because of this algal bloom the water lost all its oxygen, eutrophication ho gaya, because of which other plants and animals could not survive, that is part of sin ecology, right? Sin, only algae is growing, algal bloom, water kam ho gaya, that's water mein oxygen kam ho gaya, that's part of ot ecology, correct? So with this let us now move ahead, correct? Now, I will come to the levels. Right? Community level, deem, ecotype, ye sari cheeze karwani hai. So, I'm now moving down to the levels of the ecosystem. Is that clear? Right? Chaliye. Orticology or synecology, mark kar lijiye. It's a 500% MCQ question. What is the most basic level? Come on, everybody. Theek hai, Hindi mein bhi padhate. Sabse basic level kaun sa hota hai, batao. पर यहां पर मुझे आपको डीम वर्ड कराना है, इको टाइप वर्ड कराना है, जो आपको नहीं पता बाकी आपको पता है। सबसे पहला वर्ड इंडिविजुअल होता है, आपको पता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन आती हैं, राइट, इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, राइट। अब मुझे ये तो आपको पता है, उसके बाद वो सारा इंटरैक्ट करेगा, कम्युनिटी बनेगा, कम्युनिटी लैंडस्केप, बायोस्फेयर, बायोम, सब कुछ आपको पता है। आप मुझे दो वर्ड्स का एग्जाम्पल बता दीजिए इस लेवल पे। एक आप मुझे बताइए व्हाट इज इको टाइप, what is ecotype, 100% MCQ question, what is ecotype, anybody, what is ecotype, individual population, biome largest, yes, okay, ecotype is a individual, likhiye isko, is pe MCQs aate hain, it is a individual who is adapted to the environment. Can anybody give me an example? AIIMS ka favorite question hua karta tha. Anybody who can give me an example for it, please.
Anybody who can give me an example for it? इसके बाद मैं niche explain करूंगी. इन eco type और niche में से 100% MCQs आते हैं. Eco type and niche, individual adapted to the environment. इसका मैं आपको example दूँ? Should I give you a classical example for it and make explain? Darwin's finches, okay. Individual adapted to the environment, Darwin. MCQ exam में कौन सा आएगा? Anything else which you want to tell me? Niche करवाती हूँ. Yes, giraffe, no, lizard, okay. Okay, giraffe, okay, adapted. I'll give you a classical human example for it. Let us write down polycythemia vera. Ispe questions aate hai. Which human disease falls under or which human condition falls under ecotype? Polycythemia vera. Write it down. This is very important. This can come in your MCQs. Giraffe and all is there, but which human condition falls under ecotype? It has to be polycythemia vera. What is polycythemia vera? Is there an increase in the number of RBCs? Increase in the number of RBCs happens in hill-dwelling people, right? Hill-dwelling people. Hill-dwelling people means just you know, people who are living in mountainous areas. वहाँ पे altitude is high. Altitude high होने की वजह से air has become sparse. स्पार्स एयर होने की वजह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस. व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई गोज टू द किडनी. द ब्लड सप्लाई गोज टू द किडनी. राइट इट डाउन, मेक अ माइंड मैप. ब्लड सप्लाई गोज टू द किडनी. दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू क्वेश्चन. द किडनीज विल देन सिक्रीट समथिंग विच इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइटिन. वॉट विल द किडनीज सिक्रीट? किडनीज विल सिक्रीट समथिंग विच इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइटिन. इरिथ्रोपोइटिन इज अ हॉर्मोन. Let me write hormone here. Erythropoietin आपका hormone है. Write everybody. This erythropoietin will go to your bone marrow. And in the bone marrow, it will cause RBC production, which will increase because air is less. Compensation तो करना ही है किसी तरह से. Which is called polycythemia vera. Only hill people have this condition. Is that clear? Is that clear? There's more RBC production. So this is a MCQ question. This is a MCQ question. It produces in the kidneys an MCQ question. Where does it act? It acts on the bone marrow is an MCQ question. Increased altitude, sparse oxygen, polycythemia vera is an MCQ question. Is that clear? That causes red cheeks in them. Very important. Right? Okay, we will continue the mnemonic sessions. Don't worry. Right, everybody? So overall, RBCs are less. Oxygen carrying capacity is less. So the kidney sees that there is less oxygen in the blood supply. There's less oxygen. So it starts to produce erythropoietin. Here, I want to tell you something extra jo MCQs mein aata hai, but it is not really related to this. But mere man mein aaya hai, so I need to tell you because this is very important from MCQ. Agar kisi bhi karanvash, the bone marrow gets depressed. Hota hai kai bar. There is depression of the bone marrow. That means it does not produce. Aapko ye extra information de rahi hu main. It's not related to ecology, but very important from MCQ point of view. Right? Bone marrow causes something which is called as erythropoiesis. It does not only produce RBCs. It does hemopoiesis. It produces, bone marrow produces RBCs, WBCs and platelets. So due to any reason, if the bone marrow is depressed, that means it is not producing cells. It is not producing any cells. And you know there are two types of bone marrow. What are the two types of bone marrow? Can anybody tell me? Yellow bone marrow and red bone marrow. Yellow bone marrow is in the middle of the bone marrow which stores fat. The red bone marrow is the end of long bones. Write it down. The red bone marrow is the end of long bones. So due to any reason, if the bone marrow is depressed, it's not producing cells, then the number of RBCs, the number of platelets, and the number of WBCs, everything falls down. This is called as aplastic. Aplasia is no production. Hyperplasia is increased production. Write these words down. Hyperplasia is increased production. Aplasia is no production. Hypertrophy is increased size. Write these words down. I repeat, aplasia is no production. Hyperplasia is more production. Hypertrophy is increased size. It's called as aplastic anemia. Aplastic anemia. And what is the treatment for aplastic anemia? The treatment has to be only bone marrow transplant. But bone marrows are often rejected by the body. So at this time, when you have to do bone marrow transplant, you will have to give the patient cyclosporine.
स्पोरिन विच इज अ इम्यून सप्रेसेंट एंड हाउ विल यू डू द मैचिंग. देखो ऐसे माइंड मैप बनते हैं. दीज आर माइंड मैप्स, दीज आर रियल जेन्युइन माइंड मैप्स जहां आप एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करते हो. एंड हाउ विल यू चेक वेदर इट इज मैचिंग और नॉट, वेदर द बोन मैरो इज मैचिंग और नॉट. यू चेक द बोन मैरो इज मैचिंग और नॉट विद द हेल्प ऑफ मेजर histocompatibility complex and human leukocyte antigen. And if it is not matching, I will write that also. If it is not matching, it is the cytotoxic immunity or the T cells, which are also called the natural killer cells sometimes. They reject the graft. Is that clear? Right, everybody? Aplasia is no production. Hyperplasia is more production. Hyperplasia is less. Right? थोड़ा slowly चलो. Should I go a little slowly? पहले इसका कॉपी ले लो. चलो क्लिक अ स्नैपशॉट, क्लिक अ स्नैपशॉट. रिपीट करती हूं ट्रांसप्लांट वाला स्नैपशॉट क्लिक करो पहले इसका. चलो कर लिया क्लिक, डन. ओके, आई शुड आई ऑल्सो क्लिक एंड पुट इट. आप सबने कर लिया. अगर आपके पास नहीं है इंस्ट्रूमेंट तो एक काम करती हूं मैं भी करके आई विल एड इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप में एड कर दूंगी मैं आपने. डन, मैंने भी कर लिया. सो आई विल एड इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. इज दैट क्लियर? यस. अब मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूं. चलिए मैंने करके डाल भी दिया आप लोगों के लिए सो दैट बाद में ऐसा ना भूल जाए. सो एप्लास्टिक एनीमिया इज लेस अमाउंट ऑफ द आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है जिन लोगों को एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए कहीं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए. रिजेक्शन इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. ये भी लिख लो. तो हमने काफी कुछ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का भी कर लिया आज. ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, जीवीएचडी का फुल फॉर्म भी आता है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. यस एवरीबॉडी. तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज क्या होती है कि जो ग्राफ्ट होता है ना, ग्राफ्ट मतलब जो फॉरेन चीज आप दे रहे हो, होस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया. जिसको ए पर्सन है, ए से अगर आप कुछ बी को दोगे तो बी उसको रिजेक्ट कर देगा. किसकी वजह से रिजेक्ट करेगा? क्योंकि मैचिंग नहीं होगी. किसकी वजह से रिजेक्ट करेगा? मैचिंग नहीं होगी. और मैचिंग कौन नहीं करवाएगा? मेजर ह्यूमन, यू नो, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग करवाता है. एमएचसी और एचएलए मैचिंग करवाता है ताकि रिजेक्ट ना हो. हम साइक्लोस्पोरेंस देते हैं. साइक्लोस्पोरेंस आर इम्यून सप्रेसेंस. ताकि रिजेक्शन ना हो हम साइक्लोस्पोरिन देते हैं. और बेसिकली रिजेक्ट करता कौन है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन करवाता है तो कौन करवाता है? साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी, या उसको आप टी सेल कह दो, ये करवाते हैं. इज दैट क्लियर? इसमें बी सेल का कोई रोल नहीं होता है. बी सेल का कोई रोल नहीं होता. एमएचसी मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर फुल फॉर्म भी आ सकता है हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और एचएलए इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. मजा आ गया. कहां पे हम इकोलॉजी करते करते ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे पहुंच गए. ये मेरा ट्रेडमार्क होता है क्लासेस में कि एक टॉपिक करते हुए हम दूसरे टॉपिक का भी पूरा रिविजन कर लेते हैं. इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है. ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. आगे बढ़े मैं आपको निश का कॉन्सेप्ट समझाऊं अच्छे से. डन. Should I explain the NISH का concept to you? लिख लिया आपने, ecotype पता चल गया आपको. Yes everybody. अब हम NISH का concept कर रहे हैं. चलो right? चलिए इसको delete कर देती हूं मैं. चलो अब हम NISH का concept कर रहे हैं. देखो बेटा, habitat जो होता है ना, habitat और NISH में क्या difference है मैं आपको detail में समझाती हूँ. Habitat is always a very bigger area. Habitat कभी भी एक छोटा area नहीं होता. Right? Habitat समझाती हूँ, resource partitioning समझाती हूँ, और मैं आपको NISH समझाती हूँ. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम हैबिटेट से शुरू करते हैं. यहां से लिखना शुरू करती हूँ. तो सबसे पहले हम हैबिटेट से शुरू करते हैं. हैबिटेट जो होता है वो एक वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया होता है. क्या होता है? एक वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर कोई भी दो, एक कोई भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटीज की कम्युनिटीज रहती है यहाँ पे. वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ पे हमेशा ओवरलैप होता है. ओवरलैप, राइट? अगर ग्रेजिंग हैबिटेट है तो वहां ज़ेब्रास भी होंगे, राइट? डियर्स भी होंगे, एंटेलोप्स भी होंगे, अगर ग्रेजिंग काउस भी होंगी, बफेलोज भी होंगी अगर ग्रेजिंग. सो यहाँ पे हमेशा जो है वो ओवरलैप होता है. यहाँ पे मेनी स्पीशीज जो है वो इंटरैक्ट करती हैं. ये किसी भी स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होता. इट इज नॉट स्पेसिफिक. बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है एक हैबिटेट.
अब आ जाओ निश पे, मैं क्लासिकल एग्जाम्पल लेती हूँ, पहले इसको दो मिनट के लिए भूल जाओ, एक क्लासिकल एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको निश समझाती हूँ, क्योंकि निश वर्ड पे एवरी सेकेंड ईयर वन क्वेश्चन विल कम. अंडरस्टूड? हर दूसरे साल निश वर्ड पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. वर्ड आप निश समझो, चलो निश वर्ड समझो, निश वर्ड आ जाओ. तो बेटा निश पता है क्या होता है, दिखाई दे रहा है ना ब्लू कलर का पेन? यस, क्लियरली दिखाई दे रहा है. आप अभी दो चीजें, एक ही देखो, एक ही स्पीशीज में निश कैसे बदल जाता है मैं आपको बताती हूँ. एक स्पीशीज क्या, एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पे निश कैसे बदल जाता है, ब्यूटिफुल एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाती हूँ. राइट, मान लीजिए आपके पास एक फ्रॉग है और एक टैडपोल है, ठीक है? तो निश क्या होगा इनका, देखो टैडपोल जो है आपका एक्वेटिक है, राइट, और ये आपका टेरेस्ट्रियल भी है और वाटर भी है, ये तो बोथ है, राइट. इसको एम्फीबियन मान लो, वाटर भी है, तो इसको मैं एम्फीबियन मान लेती हूं, एम्फीबायोस, दोनों में जिंदा रहता है, ठीक है. उसके बाद ये जो फ्रॉग है आपका, ये तो प्रीडेटर है, हंट करेगा, कुछ कुछ पकड़ेगा, खाएगा, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप, प्रीडेटर है, राइट. और ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो स्विमिंग फाइटोप्लैंक्टन वगैरह है उन्हीं को करेगा, पानी में ही रहता है छोटा सा, स्विमिंग फाइटोप्लैंक्टन को पकड़ेगा उससे. तो बेटा ये है, ये आपका टॉप लेयर ऑफ वाटर में ही स्विम करता रहेगा, जो टॉप लेयर ऑफ वाटर होगी, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन खाएगा. और इसका देखो ये कहां पे रहेगा, ये स्वैम्पी एरिया नेक्स्ट टू पॉन्ड के स्वैम्प में रहेगा, दलदल वाला जो एरिया होगा स्वैम्प. तो आपको हैबिटेट दोनों का नियरली पॉन्ड है. इज दैट क्लियर? यस एवरीबडी, yes, you aspire to have handwriting like Vani ma'am, really? Unit wise short revision में आपको इतना अच्छा करवा दूंगी, tension भी मत लो, बिल्कुल tension मत लो, unit wise short revision करवाना मेरा काम है, right? So swamp में, so can you understand? ये आपका swimming phytoplankton खाएगा, तो ये aquatic है, ये पानी के top layer में रहेगा और ये स्वैम्प है. डिड यू अंडरस्टैंड? अब एक और करवाती हूँ, एक और एग्जाम्पल, सिर्फ पानी की मैं दो एग्जाम्पल करवाती हूँ. अब आज के बाद निश में कभी भी डाउट नहीं होगा, ध्यान से सुनो. सो आपके पास एक इंसेक्ट होता है वाटर बोटमैन, सुना है आपने कभी? कितना क्यूट है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वाटर बोटमैन, राइट. अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल कर रही हूँ, लिख लो. एनी डाउट्स? आई एम कमिंग टू द चैट सेक्शन. एनी डाउट्स? एंड वाटर बग, वाटर जो बग है वो आपका प्रीडेटर है और वाटर बोटमैन आपका स्कैवेंजर है. दोनों पानी में रहते हैं, स्कैवेंजर है. हैबिटेट जो है दोनों का, प्लीज पे अटेंशन. सो ये दोनों, इसका हैबिटेट क्या होगा, आ जाइए वापस, चलिए लेट्स हैव फन इन द क्लास, आ जाइए. यस, सो इसका हैबिटेट होगा पॉन्ड, ये तो बड़ा हैबिटेट है, पॉन्ड इकोसिस्टम होगा. बट क्योंकि ये स्कैवेंजर है, दिस विल यूजुअली सेटल एट द बॉटम रीजन ऑफ द पॉन्ड, एंड बिकॉज इट इज अ प्रीडेटर इट विल बी प्रेजेंट एट द टॉप रीजन ऑफ द पॉन्ड. सो कैन यू अंडरस्टैंड? दीज आर द निशेस, दिस इज द निश. नाउ टेल मी, कैन अ स्कैवेंजर बी प्रेजेंट एट द टॉप? लेट्स चेंज द कलर हियर, कम ऑन, फुल अटेंशन, बैक टू द क्लास. So can a scavenger, or let's use a red pen, can a scavenger be present at the top or can a predator? No. So niches are, let's write niche here, niche cannot be shared. That means you will have only one species occupying a niche. Ye question to kam se kam 10 times aa chuka hai. Right? Can a niche be a shared resource? Can a niche be a shared resource? No, it is very, very specific. Yes, अभी I'm sure आप लोग कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे. No components. Habitat का जो component है, चलो snapshot लो. Habitat का component जो है वो niche है. Niche का कोई component नहीं होता. Niche के पास it has no components. You can't break it down. Can you break it down? No. So आपका pond was your habitat, लिखिए, pond was your habitat. You broke it down into the top layer and the middle layer and the bottom layer. Bottom layer को आप और किस में तोड़ोगे? You cannot. So you cannot make further components. ऊपर नहीं दिख रहा है? Niche only one species occupy. Understood? Single species का होता है niche. Is that clear?
It does not have components. It has only single species. यहाँ लिख देती हूँ. चलो, let's move ahead. I think it's over. Can you click? अब habitat और niche पे जो भी question आएगा, आप मुझे हर बार कर बताओगे. Is that clear? 500% I want a right answer if this comes. Done? It is not shed. Very good. School is habitat, class is niche. Very good. Your school is your habitat, class is your niche. Done? चलिए. So Telegram पे मैं फिर से share कर देती हूँ. कर दिया मैंने एक और share. ठीक है, चले आगे बढ़े. अब हम ये कर लिया करेंगे, साथ के साथ टेलीग्राम में शेयर कर लेंगे. ठीक है बेटा, चलिए. सो लेट्स मूव अहेड. इसको डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब मैं बायोम्स पे आती हूँ और कुछ कुछ चीजें बायोम्स की. देखो, सारा बायोम नहीं करना है, दो तरह से बायोम्स होते हैं. तो मैं जैसे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही क्लास में बताऊंगी. इज दैट क्लियर? डन. जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे एमसीक्यूज आते हैं, आप लोग घर जाके पढ़िएगा. जो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं क्लास में अभी आपके साथ बायोम्स में डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले आ जाइए आप तुंद्रा बायोम पे, जो सबसे ठंडा वाला होता है. इस पे क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं, तो सबसे पहले आ जाइए आप तुंद्रा बायोम पे. ठीक है, बेसिकली जो तुंद्रा वर्ड है ना, तुंद्रा वर्ड है, वो आर्कटिक के लिए लिया गया है. किसके लिए लिया गया? आर्कटिक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए. आर्कटिक, यहां पे मैं पॉजिटिव लिख देती हूँ. मतलब तुंद्रा वर्ड, जो जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कॉपी करिए. आर्कटिक के लिए लिया गया है, राइट? आर्कटिक और एंटार्कटिक, जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, उसको हम एंटार्कटिक कहते हैं, उसको हम तुंद्रा बायोम नहीं कहते हैं. इसमें टेम्परेचर जो है वो -50 -60 तक चला जाता है. और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर +10 से कभी भी ज्यादा नहीं होता है. डन. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू पे आ जाइए आप. पॉइंट नंबर वन ये रहा, आर्कटिक में तुंद्रा बायोम कहलाता है, प्लस है. एंटार्कटिक को हम तुंद्रा बायोम नहीं कहते हैं. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो परमानेंटली फ्रॉस्टेड रहते हैं, जहां पर कभी भी मेल्टिंग नहीं होती. परमानेंटली अंडर द स्नो कह दो, इजी. फ्रॉस्ट को आपको क्या बोलना? परमानेंटली स्नो लेडन रहते हैं, राइट? कभी भी. आजकल बात दूसरी है बच्चों, आजकल इतनी ग्लोबल वार्मिंग फैल चुकी है that now this area has started to melt, जिसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से कोस्टल लाइन्स विल बी अंडर वॉटर इन नेक्स्ट 100 years. कैन एनीबडी नेम दीज एरियाज जो परमानेंटली अंडर स्नो रहते हैं? चलो, परमाफ्रॉस्ट. ये लास्ट टू लास्ट ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन है. परमानेंटली दे आर फ्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज परमाफ्रॉस्ट. ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स दीज एरियाज हैव बीन frozen. It's only in such areas that you get very, very, very well preserved full life fossils. आपको वॉर, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ यहाँ पे किस चीज का full preserved body मिली है? किस organism की पूरी preserved body मिली है? Fossil नहीं कहते उसको, woolly mammoth. किसकी मिली है? woolly mammoth. इतना कोल्ड होता है, राइट एवरीबॉडी? आइस एज के वूली मैमोथ की ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है. साइबेरिया वाला जो एरिया है वो यही है, राइट? ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये, अब यहां पर वेजिटेशन बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम वेजिटेशन होती है, बहुत कम वेजिटेशन. ना के मात्र ट्रीज तो होते ही नहीं. तो वेजिटेशन पे दो क्वेश्चन आते हैं. एक मॉस होती है, यहाँ पे रेनडियर्स होते हैं, रेनडियर्स जिनका सेंटा क्लॉज चलाकर आता है, राइट? तो रेनडियर्स, आई बिलीव इन फेरी टेल्स, आई बिलीव देयर इज अ सेंटा क्लॉज. डू यू बिलीव इन फेरी टेल्स? यू मस्ट बिलीव इन फेरी टेल्स, यू मस्ट बिलीव इन मैजिक. यस एवरीबडी, यू मस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस, इन द पावर ऑफ ट्रूथ, यस, एंड इन द पावर ऑफ योर हार्ड वर्क. सो योर हार्ड वर्क, योर ट्रूथ एंड योर काइंडनेस विल लिबरेट यू एंड सेट यू फ्री. एंड बिलीव इन अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक एज वेल. Yes, magic happens. There is somebody who will spray gold dust on you if you continue to work hard. So believe in love, believe in kindness, believe in magic, but love at the right time, okay? At the right time. So reindeer jo hai wo moss khata hai, aur reindeer ki jo moss hoti hai, jisko reindeer moss kehte hai, which reindeer eats, is called as cladonia. What is it called? Cladonia. MCQ mein aata hai, cladonia. ठीक है, इसके अलावा स्फैग्नम मॉस होती है. ये तो इसके दो फेवरेट क्वेश्चन है.
स्टैग्नम मॉस। तो इसमें से तीन या चार जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए, इसको मैं मार्क करवा देती हूँ। ये टेम्परेचर आता है, मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, वूली मैमोथ आता है, आर्कटिक को कहा जाता है, पर्माफ्रॉस्ट आता है, क्लेडोनिया स्टैग्नम मॉस एटलीस्ट 5 times, क्लेडोनिया रेनडियर मॉस एंड स्टैग्नम मॉस, ये 2 types ऑफ मॉसेस होती है। आई डोंट थिंक सो देयर कैन बी एनी प्रॉब्लम, कॉपी डाउन। रोडोडेंड्रॉन एक ट्री होता है, बहुत प्यारा होता है। आई एम फ्रॉम हिमाचल, सो हिमाचल में तो रोडोडेंड्रॉन बहुत होता है, हम रोडोडेंड्रॉन की टी भी बनाते हैं। नीलगिरीज है साउथ इंडिया में, जो तमिलनाडु में लोग रहते हैं वहां रोडोडेंड्रॉन होता है। आर्कटिक एरिया में नहीं उगेगा, आर्कटिक एरिया में कोई रोडोडेंड्रॉन नहीं उगेगा। इज दैट क्लियर? देयर विल बी कोई पेड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों मॉसेस होंगी। अंडरस्टूड? यस एवरीबॉडी, कॉपी कर लिया आपने, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप कॉनिफरस बायोम्स में। सारे बायोम्स से क्वेश्चंस नहीं आते, जो जो आते कॉनिफरस। कॉनिफरस बायोम्स इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बाहर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास टाइम है ना अभी? यस यस, हमारे पास 10 minutes आराम से है, आराम से हो जाएगा। सो कॉनिफरस बायोम्स में सबसे पहला जो एमसीक्यू आता है वो आता है टाइगा। टाइगा रीजन के बारे में क्या एमसीक्यू आता है? एटलीस्ट 5 times, 5 stars लिख देती हूँ मैं, 5 stars, एटलीस्ट 5 times आ चुका है टाइगा। टाइगा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, राइट एवरीबडी? सो टाइगा, इट इज बिटवीन तुंद्रा एंड टेम्परेट, राइट? 18 minutes है, परफेक्ट। बिटवीन तुंद्रा एंड टाइगा, बिटवीन तुंद्रा एंड टेम्परेट, ये एमसीक्यू नंबर 1 है। विच इज द रीजन विच लाइज बिटवीन तुंद्रा एंड टेम्परेट? इट इज योर टाइगा। और टाइगा फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ये एमसीक्यू आता है। आप लोग सारे के सारे एमेजॉन रेन फॉरेस्ट कर लोगे। सो इट इज योर टाइगा रीजन, इज दैट क्लियर? टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, यस, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? राइट, टाइगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। एवरग्रीन तो चलो, एवरग्रीन आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिर आप एमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको टेरेस्ट्रियल लैंड फॉरेस्ट कह देती हूं मैं, वहां वेटलैंड फॉरेस्ट है, वेटलैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो, ये वर्ड्स याद रखना, अलग से लिखी देती हूँ, कंफ्यूज ही मत हो जाना एग्जाम में। एमेजॉन यहाँ पे, अच्छा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका प्लीज इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं। एमेजॉन रेन फॉरेस्ट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कंफ्यूज मत होना। ऑब्वियसली लंग्स ये हैं, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ग्रोथ ज्यादा होती है, टेरेस्ट्रियल रेन फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। सो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो यही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो अगर लंग्स का क्वेश्चन आएगा यही आएगा। पर अगर प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया तो 70% वाटर है, प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया तो एल्गी करके आना, ऑक्सीजन बना रहे पर प्रोडक्टिव नहीं है। सो आपका अगर प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन आया, प्रोडक्टिविटी का अगर क्वेश्चन आया तो आपने ओशन कहना है, बिकॉज 70% वाटर होता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहां होती है, इज दैट क्लियर? अब कॉनिफरस ट्रीज में क्या क्वेश्चन आता है? कॉनिफरस, इसको ग्रीन कलर के पेन से कर लेते हैं। कॉनिफरस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हिमालयन कॉनिफरस पे, हिमालयन कॉनिफरस, राइट? सो हिमालयन कॉनिफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें सबसे ज्यादा कॉमन वेराइटी क्या है। तो इसकी सबसे कॉमन वेराइटी होती है डिविजन पाइनोफाइटा, डिविजन पाइनोफाइटा, पाइन के ट्रीज होंगे ना, चिनार, देवदार, डिविजन पाइनोफाइटा, एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है कम से कम 4 या 5 बार, इज दैट क्लियर? राइट एवरीबडी, हिमालयन कॉनिफर्स, यस आज आएगा आप, चलो। सो ये रहा, अब मैं लास्ट बायोम की बात कर देती हूं, जो आज का लास्ट बायोम है वो है आपका रेन फॉरेस्ट, राइट? इंडिया में भी होता है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, राइट? तो आपका रेन फॉरेस्ट बायोम्स की बात कर लेते हैं, ये हमारा पूरा एक बायोम का माइंड मैप बन रहा है। रेन फॉरेस्ट माइंड मैप बायोम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैनोपी भी छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटिफिकेशन, इस पे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, स्ट्रैटिफिकेशन। पहले मैं स्टार मार्क कर दूं क्या क्या मैंने आज एमसीक्यू कराए हैं, राइट? इसका मैंने कर दिया, ये आपका एमसीक्यू है, टेरेस्ट्रियल आपका एमसीक्यू है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑक्सीजन, लंग्स आपका एमसीक्यू है, प्रोडक्टिविटी, ओशन आपका एमसीक्यू है, डिविजन पाइनोफाइटा आपका एमसीक्यू है। सो देखिए काउंट कर लीजिए कितने स्टार्स हैं, शुरू से काउंट कर लीजिए, कम से कम हम 40 या 50 एमसीक्यूज एक ही क्लास में कर चुके हैं, राइट? तो इसमें स्ट्रैटिफिकेशन पे तो 500% एमसीक्यू आएगा, 1 or 2% नहीं। कितनी होती है स्ट्रैटास? 5। सबसे ऊपर की होती है ओपन, खुले पेड़, उसके बाद क्लोज्ड, जो नीचे अंधेरा करते हैं,
उसके बाद ट्रीज, उसके बाद श्रब्स और उसके बाद नीचे ग्राउंड कवर। लिखो इसी ऑर्डर में लिखो, पूछ सकते हैं कि क्या क्या लेवल्स हैं। लेवल वन ओपन ट्रीज, लेवल टू क्लोज ट्रीज, ट्रीज नॉर्मल, श्रब्स एंड ग्राउंड कवर। इज दैट क्लियर? ये पांच लेवल होते हैं। रेन फॉरेस्ट में हमेशा स्ट्रैटिफिकेशन होता है, एनसीईआरटी में स्ट्रैटिफिकेशन मेंशन किया गया है। राइट, अंडरस्टूड? लिख लिया आप लोगों ने पांच इसकी लेयर्स। अब आगे आ जाइए, नीचे ग्राउंड कवर की वजह से या श्रब्स की वजह से नीचे बहुत डार्क हो जाता है, तो फर्न्स वगैरह उगती हैं जिनको कम लाइट चाहिए होती है, वो नीचे उगती हैं। कम लाइट वाले प्लांट्स स्कियोफाइट्स कहलाते हैं। लिखो, ये कम से कम 10 times एमसीक्यू में आ चुका है, स्कियोफाइट्स, 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 राइट। और क्योंकि नीचे श्रब्स और ग्राउंड कवर्स हैं, ये जो ट्रीज हैं ये ऊपर इनके क्लोज्ड है, अंधेरा होता है, बारिश बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हम रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। सो ऐसी डैम्प कंडीशंस में वुड के ऊपर ट्रीज लग जाते हैं, डैम्प कंडीशंस में जो पेड़ों के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ अदर ट्रीज, एस्पलीडियम, नाइडस, बर्ड्स नेस्ट, फर्न, तो ऐसी डैम्प कंडीशन में बाकियों के ऊपर जो पेड़ लग जाते हैं उनको एपीफाइट्स कहते हैं, एपीफाइट्स। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो लेट मी मेक अ स्टार मार्क हियर, डन एवरीबॉडी? स्कियोफाइट्स एंड एपीफाइट्स पे 100% एमसीक्यू आएगा। स्कियोफाइट्स, एपीफाइट्स डार्क एरियाज में रहते हैं जो, राइट, इसकी पांच स्ट्रेटास हैं, इन पे एमसीक्यू आता है, डन। सो अभी इस पेज पे और जगह बची नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यस एवरीबॉडी, वन एपीफाइट्स वो होते हैं विच ग्रो ऑन अदर ट्रीज, राइट, स्कियोफाइट्स वो होते हैं जो ग्रो करते हैं डार्क डैम्प एरियाज में। डन? यस एवरीबॉडी, राइट। आप प्लीज सवाना सुवुना के नाम मत याद करने लग जाइएगा, स्टीपी सवाना ये सब मत याद करने लग जाइएगा, डन। तो कल की जो हम क्लास शुरू करेंगे उसमें मैं टेम्परेचर पे एबायोटिक फैक्टर्स आपको पूरा करवा दूंगी। इज दैट क्लियर? कल की जो हम क्लास शुरू करेंगे उसमें पूरा, ये आपने कॉपी कर लिया, इसकी मैं भी फोटो खींच लेती हूँ, चलिए, एंड आई विल पुट इट, मल्टी स्टोरेड फॉरेस्ट कैनोपी वाले, डन, राइट एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, डोंट फॉरगेट टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर सुपर अमेजिंग चैनल, वी वर्क सो हार्ड फॉर यू, वन सब्सक्राइब इज ऑल दैट वी आर आस्किंग यू, यस, डू दैट, आई एम गोना सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस, बाय।